Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. My name is Rabia Amin and I'll be teaching you English Literature and Grammar in class 5th, Inshallah. English Literature, mein jo aap logo ka novel hai, wo hai Oliver Twist. Your novel for English Literature in class 5th is Oliver Twist written by Charles Dickens. Let's have a quick review of Charles Dickens mentioned at the back of your novel. चार्ल्स जिकन्स जिन्होंने ये नावल लिखा है उनके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं कि ही वोज अ वेरी पॉपुलर राइटर वो बहुत ही मशहूर पॉपुलर राइटर थे वो लिव्ड इन इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड में रहा करते थे इन द टाइम ऑफ क्वीन विक्टोरिया जबकि क्वीन विक्टोरिया का वक्त था टाइम था उनकी हुकूमत थी मैनी ऑफ स्टोरीज़ आर अबाउट चिल्ड्रन उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो चिल्ड्रन के बारे में चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बच्चों के बारे में है एंड द हार्ड लाइव ऑफ पुअर पीपल इन दोज डेज लाइफ का प्लूरल लाइव्स और बहुत से गरीब लोगों के बारे में जो कि उन दिनों में मुश्किल का सामना कर रहे थे मुश्किल वक्त दरपेश था उन लोगों को उनकी स्टोरीज है उनकी ज़िंदगी के बारे में वो लिखा करते थे चार्ल्स टिकन्स ओलिवर टूस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड बेस्ट लव्ड ओलिवर टूस्ट जो उनका नावल है वो एक बहुत ही फ़ेमस मशहूर और बेस्ट लव्ड पसंदीदा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला नावल है नॉवल का एक क्विक रिव्यू जो है वो एट द बैक ऑफ योर बुक दिया गया है पुअर ओलेवर गरीब ओलेवर बेचारा ओलेवर ही हैज़ नो मदर और फादर उसका कोई माँ बाप नहीं था ही हैज़ नो गुड फ्रेंड्स और उसके कोई अच्छे दोस्त भी नहीं थे देर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड टू केयर ऑफ हिम ऐसा कोई भी नहीं था पूरी दुनिया में जो कि उसका ख्याल रखे या उसको संभाल ले द ओनली पीपल ही नोज आर थीव्स और जिन लोगों को वो जानता था या जानने लगा था वो सिर्फ थीव्स थे थीफ क... थीफ का प्लूरल है थीव्स यानी कि चोर डाकू थे एंड दे वांट हिम टू बी अ थीफ और वो उसको भी एक थीफ एक चोर एक डाकू बनाना चाहते थे लाइक like देम अपनी तरह नाउ अब ही इज़ इन ग्रेट ट्रबल अब वो एक बहुत बड़े ट्रबल में है मुश्किल में है द पुलिस हैव कॉट हिम फॉर स्टीलिंग पुलिस उसको चोरी के लिए पकड़ चुकी है एंड ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ जज और वो एक जज के सामने खड़ा हुआ है एक मुजरिम की तरह ओलिवर हैज़ डन नथिंग रॉन्ग लेकिन मसला ये है कि ओलिवर ने कुछ भी गलत या बुरा नहीं किया बट द जज डज नॉट बिलीव हिम और जज उसको यकीन नहीं करे जज उसका यकीन करे भी किस तरह क्योंकि उसको तो कोई भी नहीं पूछता था सब लोग उसके खिलाफ थे और उसी को मुजरमों की तरह कोर्ट में पेश किया गया था ही वॉन्ट्स टू सेंड ओ ओलेवर टू प्रजन और अब जज जो है वो ओलेवर को प्रिजन में कैद में डाल देना चाहता है वन काइंड ओल्ड मैन थिंक्स ओलेवर माइड भी अ गुड बॉय अब एक काइंड ओल्ड मैन की एंट्री होती है जो कि ये समझते हैं ही थिंक्स वो सोचते हैं कि ओलेवर माइट भी हो सकता है कि वो एक अच्छा बच्चा हो बुरा लड़का ना हो ही डिसाइड्स टू हेल्प वो मदद करने का फैसला करते हैं एंड फ्रॉम दैट मोमेंट और उसी मोमेंट से उसी लम्हे से ओलिवर्स लाइफ बिगे टू चेंज ओलिवर की ज़िंदगी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है बदलना शुरू हो जाती है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है अब वो तब्दीली अच्छे अच्छी है या बुरी है वो उसको अच्छाई की तरफ लेके जाएगी या बुराई की तरफ हम ये रीडिंग करके पता करेंगे फ़ाइंड आउट हाउर ट्राइज टू गेट अवे फ्रॉम द थीव्स और अब हमने पता करना है कि आया उस बूढ़े आदमी के मिलने से जो थीव्स हैं वो उसकी ज़िंदगी से किस तरह चले जाते हैं वो किस तरह से कोशिश करता है ट्राई करता है उनको अपनी ज़िंदगी से निकालने की रीड हाउ एट लास्ट और हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आखिरकार जो है ही डिस्कवर्स द ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ़ एंड हज़ फैमिली एक ऐसा बच्चा जिसका कोई भी माँ बाप बहन भाई कोई दोस्त नहीं था और उसको अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में एक ऐसा सच पता चलता है जिससे उसको पता लग जाता है कि वो कोई भी आम इंसान की तरह एक नॉर्मल इंसान की तरह एक फ़ैमिली से बिलोंग करता था उसको फेंका नहीं गया था उसकी एक प्रॉपर फैमिली थी लेकिन वो फैमिली किस तरह से टूटी और किस तरह से ऑलोवर को जो है इन सब मुश्किल का सामना करना पड़ा वो सब उसको एकदम से पता चल जाता है उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी किस तरह से आएंगी हर स्टेप के बाद किस तरह से उसके ज़िंदगी में अच्छा या बुरा बदलाव आता है चेंज आता है क्या क्या चीज़ें उसको फ़ेस करनी पड़ती हैं क्या ट्रबल्स उसको फ़ेस करने पड़ते हैं ये सब हम रीड आउट करेंगे इन आज के लिए सिर्फ रिव्यू ही और लेसन ख़त्म होने के बाद ही आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स मीनिंग्स और सेंटेंसेस प्रोवाइड कर दिए जाया करेंगे और आपको सिंपली उनको देखकर अपनी नोटबुक्स पर Right, thank you very much. Take care of yourselves. Meet you in the next meeting. Allah Hafiz.